बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है। वंदे भारत की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। देश की 14वीं ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ गहलोत की तारीफ भी किया कि अभी गहलोत जिस संकट से गुजर रहे हैं और संकट का आशय पायलट और गहलोत के बीच में चल रही रसाकसी है। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है, आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। इससे क्या हो गया? हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी,